सही बात है। अगर अगर इस बात को मानते हैं कि राकेश टिकैत ने किसानों के लिए हक में, कौन सी हक की बात की मुझे आज ये बताइए। कितने किसान सुनो आप सुनो नहीं करिए, अगर सुनो असली किसान तो अपना बेचारा मिल में गन्ने गिर रहा था, वो तो चोर बैठे थे वहाँ, वे तो चोर है मैडम असली किसान। पहले वो सुनो, वो अपने सिर का दर्द खत्म कर लो, वो उस किसान की तो समस्या जब खत्म कर। सुनो राकेश टिकैत, चलो बड़ी अच्छी बात है, उनके माता पिता ने उसका नाम रखा राकेश टिकैत, राकेश टिकैत उसका नाम रखा। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनके माता पिता का कि यो राकेश टिकैत पिछले जन्म में टिकैत था, वो जो टिकैत ही रखा और भी नाम रखा, आप ये बताइए। प्रधान जी से पूछो। 400 सीट का दावा किस चीज का कर रहे हैं, मैं बताऊं। वे 400 सीट का दावा किस चीज का कर रहे हैं, वे 400 सीटों पर हारते हुए आ रहे हैं ना, इस बारे का दावा कर रहे हैं। हारते हुए हां, इस चीज का दावा मेरे से नहीं है। सुनो, आप चिंता न करें, 400 कुर्सियां हम भिजवा देंगे। आपने क्या पिछले 5 साल में, मैं देखो मैं युवा हूँ अभी तो कोई नहीं की, और मेरे हिसाब से जितनी अगर सही तरह हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 5 साल सही तरह मिल जाते मैडम, तो भी 5 सालों में इतना काम कर देते थे कि हमें उम्मीद नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पूरे 5 साल मिले भी तो नहीं ना, क्यों नहीं मिले उन्हें, नू नहीं मिले, 3 साल तो कोरोना को चल गया, अब फिर आ गए हैं, फिर कोरोना आ गया, तो फिर भी इतनी कोरोना काल में भी इतना काम करना कोई छोटी बात नहीं होती, काम कर दिया बढ़िया, क्यों नहीं किया आप ये बताइए। हमें खुद उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरदना की एक सलावा यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी याद में आएगा कि हमारा हमारा गांव खुद तो आज सलावा गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में होगा। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से, आपने पढ़ा होगा सुना होगा अब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ था जो हो रहा था पूर्वांचल में, ये एक्सप्रेस वे बना दिया समाजवादी ने, वो यूनिवर्सिटी मैं वो कह रहा हूँ। और अब देखो दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 12-14 घंटे लगते थे, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 14 घंटे लगते थे, और आज अगर दिल्ली से आपको देहरादून जाना है तो 5-5.5 घंटे में बहुत आराम से पहुँच जाओगे, रुकते रुकते आराम आराम से। ये बताइए इन पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी ने कौन सा काम ढंग का किया, आप ये बताइए। दंगा, यहाँ जाओ मुजफ्फरनगर में कितना दंगा किया, सुन ले भाई, इन 5 सालों में तो मैं खुद अपनी याद में बता दूं, हमारे एक कवाल गांव पड़ता है जिला मुजफ्फरनगर में, 2013 हमारे युवा भाई वो क्यों मरे आज, क्यों कारण क्या हुआ ऐसा, जो उन्हें दिन दाड़े मारा गया, उन्होंने एक बहन की इज्जत बचाने के लिए, आज इतना बड़ा जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था वो कवाल कांड के लिए हुआ, क्योंकि उन्होंने दो भाइयों ने अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए, क्या माननीय विधायक संगीत स्वामी जी हमारे खुद हैं, मैं गांव सलावा से हूँ, मेरा नाम गौरव है, मैं आपसे क्लियर बता दूँ, हमारे विधायक जी जो पीछे जेल काट का है इतना बड़ा दंगा करके, क्या हमारे विधायक जी ने उनके हित में बोलने के बाद वे जेल काट गए? ऐसे समाजवादी पार्टी हमारे एक अतुल भैया भी हैं, हम नु कहने लगे वे भी तो थे, वे भी तो किसी के हाथ में बोल सकते हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कुछ करा? आम आदमी की सुरक्षा में सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे बढ़िया पार्टी। हाँ, और आज अब तक किसी ने अपने आपको इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया था जितना इस समय कर। क्लियर बता दे, मेरठ से हमारी खुद की बहन, हम बता दे जी, हमारी खुद मेरठ बहन पढ़ने जाती थी, आज पिछले 5 सालों में सुरक्षित घर नहीं आई, वे कहती थी भैया मेरे साथ ये दिक्कत हुई मेरे साथ, क्योंकि एक ठेली केले बेचने वाला वो इतने व्यवहार से गलत बोलता था कि केले मोटे लोगे क्या पतले, क्या उसकी इतनी औकात है वो हमारी माँ बहनों से ऐसे बोलेगा? इससे ज्यादा पढ़ाने की आप ये बताइए, आज इन पूरे पांच साल तो मिले नहीं योगी जी को, मैं आपसे क्लियर बता दूं, कुल 2.5 साल मिले, इन 2.5 सालों के अंदर वो काम किया जो पिछली कोई भी सरकार नहीं कर सकती, नहीं कर पाई। और एक चीज और बता दूं आपसे, ये राकेश टिकैत जी के बारे में और बता दूं आपसे, आपसे मैं क्लियर बता दूं, आप जब हरियाणा से हो, हरियाणा के अंदर ये बताया गया राकेश टिकैत जी दबंग नेता बताए गए, हरियाणा के बता रहा हूँ आपके, राकेश टिकैत सुन भाई सुन, किसान के लिए क्या हक कर रहे हैं ये बताइए आप मुझे, क्या असली किसान दिल्ली तो गया ही नहीं, अगर असली किसान दिल्ली जाता ना वो दिल्ली नहीं जाता, सीधा नखलाऊ जाता, क्यों राकेश टिकैत कहते हैं ना कि मैंने, सही बात है, अगर अगर इस बात को मानते हैं कि राकेश टिकैत ने किसानों के लिए हक में, कौन सी हक की बात की मुझे आज ये बताइए। कितने किसान सुनो आप सुनो नहीं करिए, अगर सुनो असली किसान तो अपना बेचारा मिल में गन्ने गिर रहा था, वो तो चोर बैठे थे वहाँ, वे तो चोर है मैडम, असली किसान वहाँ नहीं था, असली किसान नहीं थे, एक दंगा कराने वाले, अब एक वे कहते हैं क्या नाम है हैदराबाद के
मौलवी जी भैया एक मिनट, जो अब एक हैदराबाद के मौलवी जी हैदराबाद के क्या बोल रहे हैं ओबीसी ओबीसी क्या कहता है कि वो मैं अगर यूपी में हो जाऊं तो मैं यूपी का नक्शा बदल दूंगा। तू हैदराबाद का नक्शा बदल ले, यूपी का तो बाद में बदल दी। हाँ सुनो भाई, ओवैसी का बयान सुने आपने, क्या मोदी चला जाएगा, योगी चला जाएगा तो आपको कौन बचाएगा? अरे हिंदुस्तान में होते हैं तुम्हें डूब का मरता ना, तो मोदी को भूल लो। हिंदुस्तान में मोदी योगियों की कमी नहीं है। एक मैं जवाब दे दूं, अभी अंकल जी ने बोला, भैया ने कहा अगर मोदी योगी, इन पिछले 5 सालों में जब योगी मोदी नहीं थे फिर भी तो हम राजपूत भाई थे, लगा देता कोई साथ, जमीन में गाड़ देते, इतना हिम्मत रखते हैं, इतनी हिम्मत अपने आप में है हमारे हिंदू धर्म में कि हम दूसरे को सामने मुंह तोड़ने का जवाब। हमारे योगी आदित्यनाथ जैसे और आज लाखों योगी हमारे हिंदुस्तान में। आप हरियाणा से हो, बड़ी अच्छी बात, ये योगियों की भूमि है, आप हरियाणा, आप हरियाणा से हो, बड़ी अच्छी बात है, आपका वेलकम हमारे सलावा गाँव में। पहले दिन धड़े जुट्टे चोरी हो जाते थे, हमारे खुद हमारे अक्टू की बात है। भैया एक मिनट बस एक मिनट रुक जाओ, हमारे दिन धड़े सरदना विधानसभा में ना, हमारे खुद अक्को देखिए मैडम बता रहा हूँ, अभी हमारे गांव के बराबर में एक मकान में एक दिन में एक रात में 4 घरों में चोरी हुई, किसकी सरकार में? हाँ जी, एक रात में बारिश पड़ने पर, किसकी सरकार में? अखिलेश यादव की सरकार में। आज आ जाओ, आज चोरी और जुट्टे खोलने की तो बात दूर है मैम, हमारी विधानसभा सरदना की सीट पे हमारा खुद का भाई जिसके लिए हम दिन रात मरते हैं, देखो हमें काम से कोई जरूरत नहीं है कि हमारे साथ हमारा भाई बैठता है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं, एक झोटे खोलने की तो बात दूर है इस सरदना विधानसभा की सीट पे और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कोई झोटा झोटे खोलने की तो बात दूर, कोई किसी का खुंटा पाड़ लियो, कोई किसी का खुंटा पाड़ के देख लियो, अगर संगीत सोम मैडम अगर संगीत सोम उसका खुंटा ना पाड़ दे तो मेरा नाम गौरव है, मेरा खुद का विश्वास है। अभी आप राकेश टिकैत के बारे में बोल रहे थे, राकेश टिकैत तो बोल रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर मामला है। मैडम पहले वो सुनो, वो अपने सिर का दर्द खत्म कर लो, वो इस किसान की तो समस्या जब खत्म कर सुनो राकेश टिकैत, चलो बड़ी अच्छी बात है उनके माता पिता ने उसका नाम रखा राकेश टिकैत, राकेश टिकैत उसका नाम रखा, मैं ये पूछना चाहता हूँ उनके माता पिता का कि यो राकेश टिकैत पिछले जन्म में टिकैत तक वो जो टिकैत ही रखा और भी नाम रखा, आप ये बताइए प्रधान जी से पूछो और एक चीज और बता दूं, मैं देखो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता मैडम, और रही युवा आपने बोला था अभी रोजगार की, मैडम सबसे बड़ी बात है रोजगार की, आज रोजगार किसी के घर चल के नहीं आएगा, हमें खुद करना पड़ेगा जी, रोजगार किसी के घर चलने के लिए नहीं, कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जा करता, इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 360 सीटों का जिम्मेदार तो मैं, जो बीजेपी मजे से 360 सीटों और तुम और जो अखिलेश यादव कह रहे ना मैं 400 सीटों से आ रहा हूँ, वो 400 सीटों से जीत करके नहीं आ रहे, 400 सीटों से हार करके आ रहे, हार करके आ रहे। और दूसरी बात बता दूं मैडम, अगर अखिलेश यादव में, इस बात को आप मीडिया में दोहरा दो, अगर अखिलेश यादव में इतना दम है चुनाव लड़ने का तो वो हमारी सरदना की सीट पर हमारे विधायक के सामने लड़के दिखाई जब पता, क्योंकि यहाँ की जनता से पूछिए, क्योंकि यहाँ की जनता के अंदर विधायक के प्रति क्या है, क्या जी बताइए, संगी सो निंदावा था है और रहेगा बात ऐसी। और रही बात संगी सोम की, रही आज बताऊं, एक कह रहा रही इतनी से लेके संगी सोम को रुक कह रहे कि इसका टिकट कटेगा, संगी सोम का टिकट नहीं कट सकता, कोई काट के दिखा दियो, यो दो योजना जीतता रहा, तीसरी बार जीतेगा, पिछली बार जीतता 25,000 से, अब क्या जीतेगा 50,000 से, और 350 सीट आएंगे बीजेपी किस में, पिछली बता दूं, पिछली जीतता था, पिछले हमारे विधायक जो जीतते थे पिछले जीतते थे 25,000 से, मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं क्या करता, हाँ 55,000 की तो मैं भी गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं नहीं है, उसके अंदर का वो आज इतना सा बच्चा मिल जाओ, आप उसके पास चले जाओ, चाहे सरदना विधानसभा से कोई से विधानसभा से आ जाओ, उसके अंदर कभी काम के लिए मना नहीं। दूसरा सम्मान, उसके यहाँ सम्मान है, सम्मान बहुत बड़ी चीज बैठती है मैडम, अब पता चला अखिलेश यादव अभी कहाँ पर थी रैली, नखलाओ में थी, देखा था जैन चौधरी ने, और जैन चौधरी जाटों के हक बताए गए हैं, जाट जैन चौधरी, मैं मानता हूँ कि यहाँ जैन चौधरी जाट है, किस चीज़ के जाट रह गए वे,
किस चीज के जाट है जो चोर से गठबंधन कर रहे, पूछ लो क्या क्या गठबंधन है क्या? अगर उन्हें गठबंधन करना था हकीकत बताओ तो वो मायावती से गठबंधन कर लेते। अखिलेश से गलत कर लिया गठबंधन, क्यों गलत क्यों नहीं कर लिया? भगत जी सुन, हाँ जी, कौन सी आ गई आज? मैं बता दूं क्यों गठबंधन क्यों कर लिया, क्योंकि इनके एक तरफ से हाथ से रोटी नहीं सिक रही, अब दोनों तरफ से रोटी सेकने का काम तो कर लेंगे। चाचा और भतीजे वे तो मिल गए, और बुआ जी पहला भतीजे ने बुआ के पैर छुए थे ना, आपके छू के दिखा लो। चलो मैं मानता हूँ, अगर आपका बुआ के पैर लग गया सुबह, तू इसकी करवा। प्रधान जी बोलो। हाँ मैडम, क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार भारी पड़ने वाली है? किस अजी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं, भारी कौन पड़ रहा? तो भारतीय जनता पार्टी आई और आई रहेगी 25 साल तक। लुंगी वाले बाबा कहीं नहीं जा रहे 25 साल तक बाबा गोरखनाथ के अवतार है, प्रधानमंत्री है योगी, आने वाला लिख लो, गारंटी दूं, एक मिनट आने वाला मंत्री बनेगा, आने वाला आदित्यनाथ योगी। अगर बाबा ना होते तो देश कहां से हो जाता, ये तो बताइए आप। तो सिंपल गुरु का, गुरु सबसे बड़ी चीज हो, वो हमारा गुरु है। सुनो मैं क्या बात कहेगी, कहते ना कि गुरु गुंगे गुरु बावरे गुरु आ करिए दास, और जो भेजा गुरु नरक का था स्वर्ग की आस। एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि जो बीजेपी सरकार है वो जातिवाद की, धर्म की राजनीति करते हैं। कौन सी राजनीति करती है? क्यों मैडम, सबका साथ सबका विकास है। किसे राशन नहीं मिल रहा? किसे कौन से धर्म से राशन नहीं मिल रहा? किसे किसे शिक्षा नहीं मिल रही? किसके शौचालय नहीं बने? किसे हॉस्पिटलों में उत्तम इलाज नहीं मिल रहा? ये गलत बात है। सुनो मिलने से 20 बीजेपी है। लॉकडाउन लगा था, सबको राशन मिला, लॉकडाउन लगा था, बीजेपी सरकार आएगी और आगे भी आएगी। जब तक योगी जी की उम्र है और प्रधानमंत्री की उम्र है, प्रधानमंत्री तो रहेगा आने वाला मोदी, उसमें योगी उसमें कोई शक नहीं है। पर इतनी बता दू, मोदी अगर ये चले गए ना, बहुत मोदी योगी बन गए, अब सब रहेंगे इस टाइम। सुनो इसका बात, अगर योगी और मोदी मठ में चले जाएंगे, हमारा विधायक तो बैठा संगी सुन। 2022 में जीती धरी बिना इलेक्शन के बीजेपी आने का आनी है, नहीं रोजगार की बीजेपी आनी है, भारत माता की। आप इसमें बताइए कौन भूखा सोता है एक महीने में? लास्ट बात बोल दीजिए, बढ़िया सी जो भी आपको लगते हैं, फिर उसके बाद नहीं ये बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन इंसान भूखा सोता है ये बताइए? कोई नहीं सो रहा ना, क्योंकि एक महीने, सुनो आज मैं बता दूं क्यों। एक महीने में दो बार राशन मिल रहा और वो भी फ्री मिल रहा, और क्या चाहिए? एक बात आपसे और बोल दूं, अगर अखिलेश यादव के और याकूब कुरैशी के और मायावती जी के और यो राकेश टिकैत और जैन चौधरी के दिमाग में अगर कुछ गलत फहमी घूम रही हो ना, नहीं अरे उन्होंने कहा राकेश टिकैत मेरी कमर में दर्द है, अभी तो कमर में ही दर्द है, अभी तो पैर में भी दर्द होगा, टेंशन क्यों ले रहे? हाँ क्यों होगा? पता ना कौन आ रहे, योगी बाबा आते आ रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोबारा से। और रही हमारे तो भैया सिद्धि बात है, हम हिंदू धर्म से और हर बिरादरी यहाँ पर खड़ी है, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस भारत का तो भैया संतों से उद्धार है। अगर संत ना होंगे तो देश का बेड़ा गरक होना। पहले संत तो नहीं थे, असली संत थे ही नहीं, नहीं थे। जब पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी रही, मुजफ्फरनगर में देखा कितना तगड़ा झगड़ा हुआ था, वो किसने करा? अगर अखिलेश यादव चाहते, मुलायम सिंह यादव चाहते तो वो झगड़ा नहीं हो पा रहा था। आज हमारा विधायक जेल में गया, क्या हम बता रहे जी, मैं खुद जेल में गया था विधायक जी के साथ, खेड़ा झगड़ा हुआ था बहुत तगड़ा, उसमें खुद मैं मेरे पैर का मांस फट गया था, 3 महीने खाट पर था। क्यों क्यों रहे? हम अपने विधायक पर भरोसा, तो उसके लिए हम जहर भी खाने के लिए तैयार है, इतना भरोसा है उस पर। क्योंकि
आज हम हकीकत बता रहे हैं भाई, सुनो, आज हम अपने ऊपर की बात बता रहे। मैडम मैं किसी के ऊपर की बात नहीं करता। अगर आज मैं कहीं जाता हूँ ना, अगर कोई मुझसे पूछता है कौन से गांव से आया, पहले तो मैं उसे अपने गांव का नाम बताता हूँ। सलावा पूछता है, सलावा कौन सी विधानसभा, जहाँ की विधानसभा सरदना पड़ती है और जहाँ का विधायक संगी सोम। भैया यार तुम तो सोम साहब के गाँव से हो, इतनी इज्जत इतनी रिक्वेस्ट हमारी करते हैं कि हमें अपना आप पर गर्व होता है कि हमारी इस धरती पर ऐसे भारत माता की कोख से जन्म लेने वाला एक विधायक, माननीय विधायक संगी सोम, और उससे पिछले विधायक और देश को अपने हाथ पर रखने वाले माननीय विधायक हमारे पूर्व रविंद्र पुंडीर जी, क्या तो वे थे और क्या आप माननीय विधायक संगीत सोम जी। देखिए दोस्तों, इन लोगों से बातचीत की काफी टाइम हो चुका है, हालांकि वीडियो भी काफी लंबी बन चुकी है, काफी कुछ इन्होंने बताया हमें। सलावा गांव के लोग थे, इन्होंने काफी कुछ बताया है बीजेपी सरकार के बारे में और भी अखिलेश सरकार के बारे में कुछ बातें कही है। हालांकि राकेश टिकैत जो काफी टाइम तक हरियाणा में मौजूद थे, आंदोलन चला रहे थे, उनके बारे में भी कुछ बातें यहां पर सुनने को मिली। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूं साक्षी, धन्यवाद।